नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कानपुर बार एसोसिएशन का चुनाव की घोषणा से अधिवक्ताओं में मची हलचल। महामंत्री पद के प्रत्याशी प्रशांत कुमार वाजपेयी की सभा में सैकड़ों की तादाद में अधिवक्ता हुए शामिल। बार एसोसिएशन का चुनाव करीब आते ही अधिवक्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। सभी पद के प्रत्याशी अधिवक्ताओं के साथ सभा कर अपने चुनाव का एजेंडा बता रहे हैं। अधिवक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित कर वोट मांगने की प्रक्रिया चालू है। अधिवक्ता अपने अपने प्रत्याशियों को इसी कड़ी में सौरभ राज तिवारी एडवोकेट ने महामंत्री पद के युवा प्रत्याशी प्रशांत कुमार वाजपेयी के समर्थन में श्वेता कॉन्वेंट अजीतगंज में एक सभा का आयोजन किया। सभा में कई अधिवक्ताओं ने अधिवक्ताओं को संबोधित किया और अपने साथी प्रशांत कुमार वाजपेयी के लिए वोट मांगे। वरिष्ठ अधिवक्ता पंडित राम आश्रय त्रिपाठी ने युवा प्रत्याशी प्रशांत कुमार वाजपेयी के अधिवक्ताओं के साथ किए गए कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रशांत कुमार वाजपेयी सदैव अधिवक्ताओं की लड़ाई में हमेशा आगे बढ़कर लड़ाई को लड़ा है। उन्होंने प्रशांत कुमार के लिए अधिवक्ताओं से वोट मांगने की अपील की। साथ ही साथ अधिवक्ता सौरभ राज तिवारी ने युवा प्रत्याशी प्रशांत कुमार वाजपेयी के समर्थन में सैकड़ों अधिवक्ताओं को एकत्र कर सभा का आयोजन किया। सभी अधिवक्ताओं से अपने प्रिय महामंत्री पद के प्रत्याशी प्रशांत कुमार वाजपेयी को जिताने की बात कही। मुख्य रूप से सौरभ राज तिवारी, दुर्गेश मणि त्रिपाठी, वसीम आदि सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। कानपुर से कैमरामैन बबिता वर्मा के साथ उत्तर प्रदेश स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? प्रशांत कुमार वाजपेयी। कानपुर बार एसोसिएशन में जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, मची है हड़कंप। आप किस पद के प्रत्याशी हैं? महामंत्री पद के प्रत्याशी। क्या एजेंडा है आपका? एजेंडा है कि जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, चाहे वो न्यायपालिका में हो, चाहे वो पुलिस कमिश्नरेट में हो, चाहे हम लोगों के यहाँ पे जो दुर्व्यवस्थाएँ हैं, अनियमितताएँ हैं बहुत सी, उनको दुरुस्त करने का एजेंडा है। इसमें कुछ मुख है, मुख्य रूप से क्या है? मुख्य रूप से सभी कुछ है, हर चीज़ मूलभूत है, हर चीज़ मूलभूत है। पीठासीन अधिकारी समय पे नहीं बैठते, ऑर्डर के नाम पे अपने पास फाइल रखे रहते हैं महीनों, ऑर्डर नहीं करते, किस चीज़ का इंतजार करते हैं ये थोड़ी पूछा जाए। और बाकी इतना साफ सफाई रहती, चारों तरफ गंदगी रहती, संक्रमण का माहौल चल रहा है इस समय भी, और चाहे कोरोना काल से, तो हम लोग तो कोरोना काल के समय साफ सफाई कराते आए, आगे भी कराते रहेंगे। और बाकी शौचालयों की व्यवस्था सही कराई है, आगे अगर अवसर मिला तो और अच्छा कर पाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप अधिवक्ता साथियों से क्या विनती करेंगे? विनती ये करेंगे कि हमको वोट दे करके जिताएं, और हर अधिवक्ता साथी को ये विश्वास दिलाते हैं कि उनको अपनी समस्या के लिए एसोसिएशन नहीं आना पड़ेगा, उनकी समस्या ऑटोमेटिकली हल हो जाएगी, ये विश्वास दिलाते हैं। रोल, क्या नाम है आपका? मैं रामाशर त्रिपाठी रहते हैं। आप जिस तरीके से बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, और वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते जो आपके चुनाव लड़ रहे हैं आपके प्रशांत जी, क्या कहेंगे आप? क्या लड़ा रहे हैं, किस तरीके से लड़ा रहे हैं, जो अधिवक्ता हैं उनका क्या सोच है? देखिए, मैंने ये देखा है अपने जीवन काल में, हमारी आज 42 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है, कि पहले जब चुनाव लड़ते थे तो अध्यक्ष और महामंत्री के प्रत्याशी 2-4 दिन प्रचार करते थे और मेरिट के आधार पर उन्हें चुन लिया जाता था। स्थितियां ये होती थी कि कोई प्रॉब्लम होती थी डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, जिला जज को बुला करके बार एसोसिएशन में मामले तय होते थे, हमें डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जा करके मामले की गुहार नहीं करनी पड़ती थी, और हर महीने डिस्ट्रिक्ट जज आम दरफ बना रखते थे वकीलों से। आज उसका अभाव हो गया है। कचहरी में लोग अपने निजी स्वार्थों के चलते, अपनी कुछ गलत नीतियों और रीतियों के चलते, कि एक साल में किस किस तरह से कैसे कैसे अपना उपयोग हो जाए, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए वकीलों का हित पीछे छोड़ देते हैं। प्रशांत जी के अंदर एक बात है कि ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधा किसी भी जगह की क्या है, कचहरी में खास तौर से, कि कचहरी के साफ सुथराई बढ़िया हो, और साफ सुथराई जुडिशरी से लगा करके वकीलों के बीच में भी जो गड़बड़ियाँ हैं वो उस भी साफ सुथराई हो। साफ सुथराई का मतलब नहीं है कि सड़कें केवल साफ हो जाएं, उसमें जो अब तक इन्होंने जुडिशल अफसर से मिल करके उनके साथ बात कर करके अगर नहीं माना तो उस पर दबाव डाल करके अपने काम को कराने के लिए, समाज के लिए, वकीलों के लिए, हाई कोर्ट से लगा करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, अभी पिछला जो आंदोलन हुआ उसमें पूरी भागीदारी किया, इनकी पूरी भूमिका रही है, और अपने स्तर पर जो इन्होंने प्रयास किया उससे लगता है कि संगठन की ताकत अगर इनको मिली तो बेशक और भी अच्छा और सुंदर होगा।